नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस एंड शॉर्ट हैंड में। आज 15 जुलाई 2021 को UK SSC का रिजल्ट आया है। इसके संबंध में हम बात करेंगे जो 158 पदों के लिए जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें मेरिट कितनी गई है और इसमें हम अपने नंबर कैसे देखें। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम अपने नंबर कैसे देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, UK SSC की वेबसाइट पे जाएंगे, जो वेबसाइट है www.ssc.uk.government.in। तो आप गूगल क्रोम पे जाके ये वेबसाइट ओपन कीजिए या आप डायरेक्ट यहाँ पे UK SSC भी टाइप कर सकते हैं। UK SSC भी टाइप करके आप इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पोर्टल खुलेगा, तो आपको सबसे पहले वाले पे क्लिक करना है जहाँ पे UK SSC लिखा हुआ है और उसके बाद आपको सीधे नीचे आना है। जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा और इस नोटिफिकेशन के आपको सबसे नीचे आना है। तो सबसे नीचे जो रिसेंट अपडेट्स हैं उसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक OMR को स्कैन प्रति हेतु क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो इसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम लगने के बाद इसमें क्या होगा कि आपका पोस्ट कोड आएगा और आपको इसमें रोल नंबर डालना है। तो अगर आपको अपना रोल नंबर मालूम है तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, अपने नंबर देख सकते हैं, और अगर आपको रोल नंबर नहीं मालूम तो आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद, थोड़ा इसको ओपन होने में टाइम लग रहा है। यहाँ पर ये खुल गया इसके बाद, और इसके बाद सबसे ऊपर में जब हम आएंगे तो यहाँ पर अभी जो करंट रिजल्ट दिखा रहा है ये दिखा रहा है पोस्ट कोड 52R का, यानी कि अभी जो स्टेनोग्राफर का जो आज का रिजल्ट आया है इसके मार्क्स इन्होंने साइट पे अभी अपलोड नहीं किए हैं। तो इसी तरीके से आप मार्क्स देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी अपलोड नहीं हुए हैं। तो आइए बात करते हैं हम मेरिट के बारे में। मेरिट इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर गई है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब से ये नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो नंबर देखना मुश्किल हो गया है। पहले मेरिट के अनुसार जो हमारे नंबर होते थे उसके आधार पे कैंडिडेट अपना नाम सूची में देख लेता था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद थोड़ा प्रक्रिया कठिन हो गई है। तो इससे जो है दिक्कत हुई है नॉर्मलाइजेशन के बाद, और इस तरीके से आप नंबर देखिएगा, अभी अपलोड नहीं हुई है। तो जैसे अपलोड होंगे तो मैं आपको बता दूँगा। धन्यवाद।